अच्छा, ये जो ये है इसको फोमनेट बोलते हैं। हाँ, ये जो आपका ताइवान पिंक और वीएनआर भी है, दोनों में एक ही साइज की रखते हैं? हाँ, दोनों में एक ही रखते हैं। दोनों में ये एक डेढ़ किलो तक सूटेबल है ये वाली। हाँ। अच्छा, इसका साइज कितना है, मतलब कितनी चौड़ाई? 40x180 का आता है। ये पन्नी है, ये पन्नी है, ये एयर पासिंग पन्नी है। इसमें तीन होल है। तीन होल अपने आप आते हैं? हाँ, रेडीमेड आते हैं। एक यहाँ पे है, एक बीच में है और एक इधर है। अच्छा, तो जो इसमें ये मॉइस्चर बनता है, हाँ, तो वो बाहर निकलता रहता है। वो बाहर निकल जाता है। हाँ। अच्छा। और इसी के वजह से फल में साइनिंग अच्छी आ रही है। अच्छा, ये जो अभी हम फोम नेट पर आते हैं, ये फोम नेट इसी साइज के कटे हुए मिलते हैं? हाँ, कटे हुए मिलते हैं। 5000 नंग आते हैं एक बोरे के अंदर। एक बोरे के अंदर 5000 आते हैं? हाँ। कितने का बोरा मिलता है? ये घर तक डिलीवरी सहित पड़ जाता है 80 पैसे का एक। 80 पैसे का एक। हाँ। ये कहाँ से मंगाते हैं? ये राजकोट से। और ये जो आपके ये पन्नी है, ये कहाँ? ये भी उन्हीं के पास से आती है। ये कितनी आती है, मतलब? ये किलो में आती है। इसका रेट है, इस साल थोड़ा उन्होंने बढ़ा दिया, नहीं तो 145 रुपये किलो में आती है। जो फोम नेट था वो एक बोरे में 5000 बताए। हाँ। 80 पैसे का एक पड़ा। हाँ। तो यानी 4000 का बोरा। हाँ। और ये जो पॉलिथीन है, ये 145 रुपये किलो। 145 रुपये, तो 25 kg का आता है एक पैक। अच्छा, 25 kg में कितने आते हैं? 5000। हाँ, 25 kg में 5000 नहीं आते, दो एक बोरे के ऊपर, दो बोरों के ऊपर एक लगता है, तो 10000 आते हैं। 10000? हाँ, 10000 के आसपास आते हैं। तो हमारा खर्चा 1 रुपया और 8×4 1 रुपया 20 पैसे का होगा। हाँ, 1 रुपया 20 इसका कर। हाँ। अच्छा। और इसके ऊपर फिर अपन पेपर लगाते हैं। पेपर जो है ना, पेपर के अलावा कोई और भी साधन है लगाने का? पेपर नहीं, अभी तक तो अपन पेपर ही लगा रहे हैं। तो हमारे इलाके में तो जैसा बारिश ज़्यादा होती है, तो वो बारिश में तो ख़राब होता रहेगा पेपर जो है। बारिश में अभी अपने यहाँ भी लगाने के बाद में 2-3 बार बारिश अच्छी खासी हुई थी, पर वो वापस सूख गए थे। थोड़े बहुत हवा चली तो थोड़े गल गए थे। बाकी के अंदर भी कोई प्लास्टिक वगैरह लगाते नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं लगाते। तो एक आदमी एक दिन में मतलब कितने इसको बांध देता? अपने पास में 12 लड़के चलते हैं, तो करीबन ये मान के चलो 5-6 हज़ार वो बांध पाते हैं। 12 लड़के? हाँ। 5-6 हम 10 मान का चलते हैं। हाँ, हाँ, और 5000 मान। हाँ, 5000 है ना, 10 लड़के 500। एक दिन में एक आदमी 500 रुपये 500 फलों की बैगिंग कर देता है एक आदमी। हाँ, ठीक है। तो उसका लगभग अगर 500 रुपये भी है तो 1 रुपया उसका। हाँ। लेबर पड़ गई। हाँ। तो हमारी प्रति इसकी लेबर हो गई 2 रुपये 20 पैसे। हाँ। तो रफली मान लें हम 2.5 रुपये। हाँ, हाँ, 2.5 रुपये का खर्चा है एक। इतनी अवस्था में इसको बांधते हैं ये? अब बांधने के ये लगभग हाँ, 50 ग्राम का अमरूद है ना ये? 50 ग्राम। हाँ, ये जो ये वाले फल आए हुए हैं जो अभी आए हुए हैं, ये वाले जो फल है, ये आपके फरवरी मार्च में मतलब मार्च बनेंगे? हाँ, ये अप्रैल में निकलेंगे। ये अप्रैल में निकलेंगे? हाँ, क्योंकि आपके यहाँ सर्दी नहीं होती। हाँ, इस टाइम भी मेरे को भी नहीं। हाँ, लग रही है बिना स्वेटर के, हमारे यहाँ तो बहुत सर्दी में कम होते हैं। हाँ, तो आपके यहाँ ये एडवांटेज है कि आपको वो फसल लेते हैं जब उस टाइम अमरूद का भाव मैक्सिमम होता है। हाँ, ये ताइवान पिंक। ये ताइवान पिंक। हाँ, खोलो इसको भी। ये देखें, यहाँ पर 3 अमरूद हैं। अच्छा, क्या भाव जा रहा है आजकल रामचंद्र भाई? अभी 5-6 रोज से रेट नीचे आ गए, नहीं तो चल रहा था 65 से 75 रुपए। अच्छा, आप कैसे बेचते हो इसको? मैं यहाँ से दिल्ली पहुँचाता हूँ। आप अपने आप पिकिंग करते? हाँ, हो? लेबर से कराते? एक हो? पार्टनर है अपना घोटिया में। अच्छा, तो हम 2 मिला के 10 टन की गाड़ी की पूर्ति कर देते हैं। 3-4 टन वो निकाल देता है, 5-6 टन में निकाल देता हूँ। अच्छा, और ट्रांसपोर्ट से गाड़ी मंगा लेते हैं। अच्छा, डायरेक्ट दिल्ली भेज देते हैं, वहाँ पे आड़त्या है। अच्छा, वो पूरा माल बेच के खाते में पेमेंट कर देता है, मोबाइल पे बिल। अच्छा, तो कितना मतलब लगभग आपको कितना रेट पड़ता है वहाँ? 50 रुपये से लगा के अभी तक अपन ने 68 रुपये तक का बिल अपने पास में आया हुआ है। और खर्चा कितना आता है? खर्चा 1000 से 1200 रुपये कुंटल के ऊपर जा रहा है।
कार्टून भी आ गया, भाड़ा आ गया, कमीशन आ गया, हिमालय आ गई, सब कुछ। और आपका लगभग बीचा 60 रुपए का, 50 रुपए भी लगा लो। हाँ, तो 50 रुपए किलो बिका और 10 रुपए खर्चा आ गया। हाँ, तो 4000 40 रुपए, 4000 रुपए क्विंटल आपको। हाँ, और 5 रुपए अपन इधर का खर्चा पकड़ के चलते हैं, 1500 रुपए क्विंटल के पीछे अपन खर्चा मान रहे हैं। कुल 5 रुपए किलो का खर्चा इधर। हाँ, 1500। तो एक क्विंटल के हमें मिले, अगर हम 50 का भी भाव लगाते हैं, हाँ, तो एक क्विंटल के हमारे को मिले 5000। हाँ, तो 5000 में से हमारा 1500 रुपए खर्चा आ गया। हाँ, 1500। तो एक क्विंटल के हमारे को 3500 रुपए। हाँ, 3500 रुपए। हाँ, लगभग 3500 रुपए किलो पक्के, हमारी पक्के नेट बचत। हाँ, ये जो अमरूद है ये देखिए इनके हाथ में है, ये ताइवान पिंक का ही है, ये ताइवान पिंक का अमरूद है। बड़ा हल्का लग रहा है, ये मुझे नहीं लगता 1 किलो का होगा। हाँ, ये हल्का है अमरूद, बहुत हल्का अमरूद है। तो लेकिन देखिए, जो भी इसे देखेगा वो खाने की कोशिश करेगा। ताइवान पिंक का थोड़े अच्छे अमरूद होते हैं, जायके वाले होते हैं इसमें जो है। और ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना बड़ा करना चाहते हैं। जैसे ये इन्होंने देखिए यहाँ पर 2 थैली बांधी हुई है, तो दोनों में से अगर आप मोटा अमरूद चाहते हैं तो एक रख लीजिए इसमें। जैसे ये 2 कलियाँ हैं इस टाइम जो है, छोटे अमरूद हैं। हाँ, चलिए, ये अभी जैसे यहाँ 4 है तो 4 में से हम 2 को तो निकाल ही देंगे। ये जैसे बहुत ज़्यादा है इस पर, तो इस पर ऐसे छटनी मार देते। ये यहाँ पे 3 है तो ये 2 निकाल दिए। ये देखिए इस पर कितनी फ्रूटिंग है अभी भी, जो मार्च अप्रैल में आएगी। और इसको सबसे बड़ी इन लोगों को एडवांटेज ये है, फ़ायदा ये है कि ये मार्च अप्रैल की फसल ले लेते हैं, जो कि बहुत अच्छे भाव में जाती है, जो कि हमारे यहाँ पॉसिबल नहीं। तो पहले आप थिनिंग करते हो और फिर उसके बाद बैगिंग करते हो। हाँ, जब अमरूद इतना। हाँ, चलो ये तो हुई अच्छी बात। अब आप हमें राज की बात बताइए थोड़ी। हाँ, बोलो। है ना, ये जो ये आपके पौधों में ये पत्तों पर है, ये जो आया, ये क्यों आया? ये मेरे को लगा थोड़ा नेमाटोड का असर। दूसरी बात, जब पहली अपन ने बैगिंग की थी तो पौधे की कैपेसिटी से जिस पर ज़्यादा माल था वो पौधे में ये पोजीशन बनी। जैसे माल खाली हुआ, वापस नया फूटा हुआ, अच्छा बढ़िया ये हरा आने लग गया। नहीं तो अलग से अपन ने इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं किया। तो एक कहावत है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हाँ, कि हमेशा ये जो ये सूखता है कभी कभी, आपको याद होगा मैंने अभी पिछली वीडियो बनाई थी कि एक जगह पर पत्ते देख कर आप अर्थ मत लगाइए। इस सूखने का अर्थ ये भी है कि अगर ये किनारे सूखते हैं कि इसमें पोटास की कमी है। अच्छा, ठीक है ना। और अगर पत्ते यहाँ से सूखते हैं, देखिए ये जो फुटान है यहाँ, हाँ, हाँ, हाँ। अगर यहाँ पर सूखते हैं तो इसका मतलब आपका पौधा बीमार है। लेकिन इसमें मैं देख रहा हूँ ये नए पत्ते निकल रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे नए पत्ते निकल रहे हैं। तो एक जगह घबराने, आप पूरा पौधा देखिए कितनी अच्छी तरह से पत्ते निकल रहे हैं। तो और फ्रूटिंग भी काफ़ी है। तो एक नई बात पता चली है जो अभी रामचंद्र भाई ने बताई है कि जैसे ही पौधा फ्रूटिंग पर आता है और नया होता है तो पौधा अपने आप ठीक हो जाता है। हाँ, ये अभी देखो आप, इस पे फल बेगिंग हुई नहीं है। हाँ, बेगिंग क्योंकि जब माल इस पे, ये इस पर ज़्यादा बेगिंग है। हाँ, तो इस पे माल आया ही नहीं क्योंकि पहली बार में इतना लोड था इसके ऊपर कि माल वो सेट नहीं कर पाया। उसी के वजह से ये पत्तों पर भी असर आया उसका, जैसे वो पहली प्लस का माल खाली हुआ वापस पौधा रूलिंग पे आ गया। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि इस पर इतना अधिक फ्रूटिंग आया था। हाँ, है ना, तो उससे पौधा उसे संभाल नहीं पाया। हाँ, और इस वजह से कमजोर हो गया। हाँ, है ना, जैसे माल खाली हुआ वापस। और अगर इन्होंने इसकी थिनिंग कर दी, माल कम हो गया। हाँ, तो ये दोबारा से हरा भरा होने लग रहा है। नहीं, थोड़ा सा रामचंद्र भाई, मैं अभी भी थोड़ा सा एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। जैसे इस पर है, ये पेड़ है, इस पर कोई भी नहीं है, इसलिए हम सबको, यानी इस पर अधिक नहीं है, सिर्फ 2-4 ही हैं। हाँ, तो इस पर भी ये, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा अपन ने, ये तो पूरा नीचे आ गया। हाँ, था बहुत ज़्यादा लिमिट से बाहर फल हो गए थे इन पे। और ये समझ लो जहाँ पे भी ये पोजिशन है वो पौधे पे अभी डबल में बेगिंग ही नहीं है क्योंकि फल सेटल नहीं हुए, पहली बार में इतना ज़्यादा था कि संभाल नहीं पाया पौधा। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब आपका
फ्रूटिंग शुरू हो जाए तो उसी टाइम आपको इसकी थिनिंग करनी चाहिए। ये कितने रखने हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। हाँ, पौधे के हिसाब से ही होना, ज्यादा में फिर गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, इसमें मेरे को क्यों आपने थोड़ा सा भी वो दिया कि भाई मेरे को मेरा योग, ये जो कटिंग मैनेजमेंट है आपके वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अभी सिंगल आप देखिए, सिंगल यहाँ तक में एक ही तना है, उसके ऊपर फिर कटिंग मार के ये जो फुटाव आया है, ये आपके वीडियो देख देख के ही मैंने पूरे बाग को ऐसे ही मैनेज किया है। आप हर पौधे को देखो, नीचे से 1-1.5 फीट तक सिंगल स्टंप ही है। ये जो आपने ये लगाई हुई है डंडी, ये हाँ बल्ली है, बल्ली हाँ। ये कितनी दूरी पर है? ये 25-25 फीट पर है। 25-25 फीट पर है। और एक तार ये कितने एमएम का तार है? ये 14 एमएम वाला, 14 एमएम का, हाँ 14 एमएम का तार है। एक ऊपर लगाया है आपने, बस एक ही लगाया है, एक ही लगाया है हाँ। और ये देखिए, ये इन्होंने आराम से बांध दिया है, अगर आप देखें। ये पाइप है जो आपकी ड्रिप वाली पाइप, हाँ ये जो अपन सूतली लगाते हैं वो 2-3 महीने में खराब हो जाती है। ये जो कबाड़े में लोग बेच देते हैं, उनके पास से 20-22 रुपए किलो मिल जाती है सूतली, 90-100 के भाव की आती है और 3 महीने में ख़त्म। ये 5 साल तक भी नहीं ख़त्म होगी। अच्छा, वो ये जो बाकी ब्रांचे हैं इनको भी बांधना है, पर वो ये मिली नहीं, जितनी मिली थी तो एक एक ही लगा दी है। ये इधर वाला पूरा हो गया, ये इसमें और अभी जो ब्रांचे छूटी है उनको बांधना है।